विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान में वन्य जीवों की गणना शुरू हुई है। पर्यावरण को संतुलित बनाने में वन्य जीवों का अहम योगदान है। ऐसे में कोरोना वायरस के कारण मई में होने वाली वन्य जीव गणना अब जून में शुरू की गई है। झालाना वन के क्षेत्रीय वन अधिकारी जनेश्वर चौधरी ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और पर्यावरण प्रेमी से लेकर वन्य कर्मी मचान पर 24 घंटे बैठकर वाटर होल सेंसर पर नजर रखकर वन्य जीवों की गणना करेंगे। इस कड़ी में दो दिन में 37 अलग अलग प्रजातियों की गणना की जाएगी। बता दें कि पहले यह गणना मई में होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसे आगे बढ़ाया था। इसके बाद इसे 5 और 6 जून को करना तय किया गया। आज करीब 22 वॉलंटियर्स रक्षा संस्था की तरफ से झालाना में आज आए हैं वन्यजीव गणना के लिए, और करीब 4 फीमेल वॉलंटियर्स हैं जिनमें से 2 पिछले 8 वर्ष से आ रही हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है जिसमें वन्यजीव पे काम करने वाली संस्थाएं या उनके वॉलंटियर्स स्वयंसेवक उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जंगल में, क्योंकि जो बाहर की आवाज़ें हैं और जंगल की जो लाइफ है, जंगल की आवाज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। जब बाहर के वातावरण से जब आप जंगल के वातावरण में आते हैं तो आप बिल्कुल जंगल के बारे में जानना चालू कर देते हैं, सीखना चालू कर देते हैं, और जंगल के प्रति आपका एक अलग सा लगाव चालू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कि जब आप जंगल को समझेंगे तभी आप उसको बचाने में ज़्यादा सशक्त हो। जयपुर प्रादेशिक रेंज में 37 वाटर पॉन्ड्स बनाए गए हैं। इस पर वाटर पॉन्ड्स के पास एक मचान बनाई गई है जिसमें हमारा एक स्टाफ और एक वॉलंटियर, तो 2 बंदे जो हैं आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के लिए वाटर पॉइंट पर पानी पीने आने वाले वन्य जीवों की गणना का कार्य करेंगे। उनको एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मर दिया गया है, उस पर वन्य जीवों की संख्या का जो है नोटेड